बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक डिस्कस किया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहते हैं कि cos square theta minus sin square theta is equal to 1 minus tan square theta over 1 plus tan square theta। ठीक है जैसे ये क्वेश्चन है तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखेंगे। देखिए अब tan square जो है वो बड़ी वैल्यू है क्योंकि इसमें साइन और कॉस दोनों आते हैं, इसलिए हम राइट हैंड साइड लेंगे। मतलब राइट हैंड साइड किसके बराबर होगा? 1 minus tan square theta over 1 plus tan square theta। ठीक है जैसे जैसा कि हमें पता है कि जो tan theta होता है वो किसके बराबर होता है? sin theta over cos theta। इसलिए अगर tan square है तो यहाँ भी square आ जाएगा, sin square over cos square। की जगह मैं इनकी वैल्यूज पुट कर देता हूँ। हमारे पास क्या है? इक्वल टू 1 minus sin square theta over cos square theta over 1 plus sin square theta over cos square theta। ठीक है डेट फ्रेंड्स, अब हम एलसीएम लेते हैं। हमारे पास क्या होता है? ऊपर cos square theta आ रहा, तो ये क्या होगा? cos square theta minus sin square theta। ठीक है सेम एज जो नीचे अगर हम एलसीएम लें, यहाँ भी क्या आ रहा है? cos square theta। यहाँ पे क्या आ रहा है? cos square theta plus sin square theta। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब ये भी क्या होगा? cos square से कैंसिल। अब हमें पता है sin square plus cos square किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो बाकी हमारे पास वैल्यू क्या बची? cos square theta minus sin square theta। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये हमारे पास प्रूव हो गया। राइट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, हम जानते हैं कि जो sin square theta है और प्लस cos square theta वो किसके बराबर होते हैं? 1 के बराबर होते हैं। तो उनकी जगह जब 1 आ जाएगा तो बाकी वैल्यू क्या बचेगी? सिर्फ cos square minus sin square। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ठीक है डियर्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? cos theta minus sin theta, cos theta minus sin theta over cos theta plus sin theta is equal to cot theta minus 1 over cot theta plus 1। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है। हम राइट हैंड साइड लेंगे। हमारे पास राइट हैंड साइड किस चीज के बराबर है? cot theta minus 1 over cot theta plus 1। ठीक है, जैसा कि हमें पता है cot theta किसके बराबर है? cos theta over sin theta। ये क्या होगा? cos theta over sin theta minus 1। सेम एज यहाँ क्या होगा? cos theta और sin theta plus। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे। हमारे पास क्या होगा? sin theta, ऊपर भी एलसीएम आ रहा है और नीचे भी। देखिए यहाँ पे क्या आया? sin theta हमारे पास क्या आ गया? एलसीएम आ गया। तो ये क्या बन जाएगा? cos theta और minus sin theta। सेम एज नीचे क्या आ रहा है? sin theta एलसीएम आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? cos theta plus। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या होगा? sin theta से कैंसिल। तो बाकी रिमेनिंग जो वैल्यू है हमारे पास क्या बची? cos theta minus sin theta over cos theta plus sin theta। ठीक है, जो कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में वो कहते हैं sin theta और 1 plus cos theta, sin theta over 1 plus cos theta और साथ plus cot theta is equal to cosec theta, plus cot theta is equal to cosec theta। हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। मतलब लेफ्ट हैंड साइड किस चीज के बराबर है? sin theta और 1 plus cos
cos theta और plus क्या है cot theta, ठीक है। लेफ्ट में हमारे पता है जो cot theta वो किसके बराबर है, cos theta और sin theta के बराबर है, sin theta और 1 plus cos theta plus क्या होगा cos theta और sin, ठीक है। लेफ्ट में यहाँ LCM लेंगे हमारे पास LCM क्या आएगा sin theta into 1 plus cos theta, ठीक है। लेफ्ट में क्योंकि एलसीएम में जो कॉमन एलिमेंट्स होती है वो एक दफा जो अनकॉमन होती है उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास यहाँ क्या ये कॉमन नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सेम एज ये वैल्यू उठा दी यहाँ डिवाइड करेंगे 1 प्लस cos कैंसिल, अब सिर्फ क्या आएगा sin थीटा, sin थीटा को किस से मल्टीप्लाई करेंगे sin थीटा से, तो ये क्या बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेम एज अब यहाँ पे क्या होगा sin थीटा डिवाइड होगा तो sin थीटा कैंसिल बाकी 1 प्लस cos थीटा रह गया, तो cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्या होगा sin स्क्वायर थीटा, देखें क्या होगा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स अब हमें पता है जो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वो किसके बराबर है 1 के बराबर है, तो देखिए ये अभी मैंने वैल्यू बताई थी क्या sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर किसके बराबर है 1 के बराबर, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर किस चीज के बराबर आ गया 1 के बराबर, तो ये क्या बन गया 1 प्लस cos theta और sin theta into 1 प्लस cos theta, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस cos theta 1 प्लस cos theta से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या रहेगा 1 ओवर sin theta किसके बराबर है cosecant theta, ठीक है। डियर स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। ठीक है क्वेश्चन 11 तक हो गए, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स ये बराबर है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसके बराबर हमें 2 करना, ठीक है। डियर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा प्लस, अब हमें पता है जो cos स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा ओवर sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेम एज नीचे क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा ओवर sin स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक है। डियर स्टूडेंट यहाँ तक हो गया, अब हम एलसीएम लेंगे, नीचे भी साइंस के ऊपर भी साइंस के आ जाएगा, हमारे पास यहाँ एलसीएम क्या आ रहा है साइंस के थीटा, ठीक है। डियर स्टूडेंट अब यहाँ पे क्या बन जाएगा कॉस के थीटा माइनस साइंस के थीटा, सेम मैसेज नीचे क्या होगा साइंस के थीटा क्या आ गया एलसीएम आ गया, यहाँ पे क्या होगा कॉस के थीटा प्लस साइंस के, ठीक है। डियर स्टूडेंट यहाँ पे साइंस के से कैंसिल, तो बाकी अब देखिए हमारे पास क्या रह गया cos के थीटा प्लस साइंस के थीटा, ठीक है। डियर स्टूडेंट और हमारे पास क्या है ऊपर माइनस और नीचे प्लस है, ठीक है। नीचे क्या है cos के थीटा माइनस प्लस साइंस के थीटा, ठीक है। डियर स्टूडेंट अब हमें बताया कि जो साइंस के प्लस cos के है वो किसके बराबर है 1 के बराबर, क्या होता है साइंस के थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। डियर स्टूडेंट अब हमारे पास जवाब बाकी जो बच रहा है वो क्या बच रहा है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, लेकिन जवाब में हमने क्या निकालना है 2 कॉस स्क्वायर, इसका मतलब पूरी वैल्यू हमने किस पे कन्वर्ट करनी कॉस स्क्वायर, तो यहां से अगर हम साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या निकलती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। डियर स्टूडेंट अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, ये तो हो गया 1 के बराबर, बाकी हमारे पास क्या बचा cos स्क्वायर थीटा इनटू, अब देखिए sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स अब cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये अब
पास प्रूव हो गया। ठीक है, फिर उन्होंने क्या लिया, लेफ्ट हैंड साइड लिया, ये राइट हैंड साइड के बराबर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा विल बी इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होल का स्क्वेयर। ठीक है डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन हम राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड क्या हमारे पास कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होल का स्क्वायर। सबसे पहले इनको कन्वर्ट करेंगे, ये क्या होगा 1/2 साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, इनका स्क्वायर है, एस्टेज रहेगा, अभी तक मैंने स्क्वायर ओपन नहीं किया, तो यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या होगा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे सेम एच चीज़ क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब स्केयर है तो ऊपर वाले का भी स्केयर होगा और नीचे वाले का स्केयर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा होल का स्केयर, ऊपर क्या है साइन स्केयर थीटा। ठीक है डियर, अब हमने पढ़ा है कि साइन स्केयर थीटा किसके बराबर है, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर है। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा के बराबर है, इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, हमारे पास क्या है 1 प्लस cos theta होल का स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है sin स्क्वायर किसके बराबर है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब इस 1 का हम स्क्वायर ले सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 के बराबर होता है, ताकि हमारे पास फार्मूला क्या बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो किसके बराबर है a प्लस b इनटू a माइनस b। सेम एज इज फार्मूला ओपन कर देते हैं, हमारे पास क्या है 1 प्लस cos theta होल का स्क्वायर, आपने इसका स्क्वायर ओपन नहीं करना। ठीक है, ये क्या बन रहा है 1 प्लस cos theta और इनटू 1 माइनस cos theta। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब यहां हमारे पास क्या हो गया 1 प्लस cos theta की जो एक पावर वो कैंसिल हो गई, बाकी क्या रह गया हमारे पास 1 प्लस cos theta ओवर 1 माइनस cos theta। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये हमारे पास हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। नंबर 14 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है secant theta minus tan theta whole का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस sin theta और 1 प्लस। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है, इसलिए तो हम क्या लेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसको राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर लेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है secant थीटा प्लस माइनस tan थीटा होल का स्क्वायर। सेम एज इज ये क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन नंबर 12 और 13 और 14 बल्कि सेम है, तो सेम एज इज secant थीटा को कन्वर्ट करेंगे, क्या होगा 1/2 cos theta और ये क्या होगा sin theta over cos theta। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब क्या इनका स्क्वायर है तो एलसीएम लेंगे, हमारे पास क्या आएगा cos theta और ऊपर क्या आएगा 1 माइनस sin theta। ठीक है डियर स्टूडेंट, इन होल का क्या है स्क्वायर, सेम एज हम स्क्वायर लेता कर देंगे 1 माइनस sin theta होल का स्क्वायर और क्या है cos square theta। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब हमने पढ़ा है कि sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसलिए cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा के बराबर। होल का स्क्वायर आप हमने ओपन नहीं करना। ठीक है डियर फ्रेंड्स, एक बात को याद रखें, ये क्या होगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब हम इसका स्क्वायर ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये दोबारा क्या बनेगा a प्लस b और a माइनस b, ताकि एक वैल्यू कैंसिल हो जाए, हमारे पास क्या है 1 माइनस sin
थीटा होल का स्क्वायर ओवर वन प्लस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब हमारे पास क्या होगा, वन माइनस साइन थीटा की जो एक पावर है वो कैंसिल हो जाएगी, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, वन माइनस साइन थीटा ओवर वन प्लस। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ठीक आ गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। ठीक है देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 15 गिवन है हमें नंबर 15 में है 2 tan theta over 1 plus tan square theta will be equal to 2 sin theta over cos theta, ये इसके बराबर है, हम इसको प्रूव करते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब हम क्या लेंगे, यहां से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 2 tan theta over 1 plus tan square theta। अब हमें पता है जो tan theta होता है वो sin theta over cos theta के बराबर होगा, sin theta over cos theta, नीचे सेम है स्थिति, यहां पे क्या होगा 1 plus sin square theta over cos theta। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है अब हम एलसीएम लेंगे, मतलब एलसीएम क्या आएगा, ऊपर तो वैसे क्या बन रहा है 2 sin थीटा और cos थीटा बन रहा है, अब नीचे एलसीएम लेंगे हमारे पास क्या आएगा, cos square थीटा, cos square थीटा यहां पे क्या होगा, cos square थीटा प्लस sin square थीटा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, हमारे पास क्या होगा, cos की एक पावर कैंसिल हो जाएगी और दूसरी पावर क्या होगी, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगी, यहां पे 1 रह गया, हमें पता है कि cos square + sin square किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो बाकी क्या रह गया, आप देखिए 2 sin theta और cos theta और sin square theta plus cos square theta, ये हम पिछले लेक्चर में भी बल्कि अभी पिछले क्वेश्चन में भी यूज हुआ है, हमने यूज किया है, ये cos square किसके बराबर था, 1 minus sin square, तो ये 1 के बराबर है, बाकी हमारे पास प्रूव हो गया किसके बराबर है, 2 sin theta और cos theta, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है दर्शन, क्वेश्चन नंबर 16 में वो कहता है 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा विल बी इक्वल टू कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है दर्शन, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ये हम प्रूव करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं, क्या है 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, तो हम क्या करते हैं ऊपर वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, कॉन्जुगेट में क्या होता है दरमियान वाली लाइन जस्ट चेंज हो जाती है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब ऊपर हमारे पास क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी टू ए माइनस बी, तो क्या होगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बन रहा है, तो कॉस थीटा इनटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब यहां पे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, तो यहां पे क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा होगा कॉस थीटा इनटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब कॉस स्क्वायर थीटा तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया तो ये राइट हैंड साइड के बराबर। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर, अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर आप लोगों को इसमें से कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा,
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।